सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं 7:48 यानी कि 7:48 पे। तो बढ़िया वाली धूप खिल रही है आज। तो भाई आज का दिन काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों ये नज़ारा है अपने इस किचन रूम का, जहाँ पर को आमा ने बढ़िया वाली आग जला रखी है। लेकिन आमा गायब है, पता नहीं आमा कहाँ गई है। बाकी यहाँ पर को पुथीला हरामखोर मिला है मुझे। पुथीला गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? इसके दांत देखो ना, ये दांत, हरामखोर प्राणी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहला आदाब, सत श्री अकाल आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं संजय पहाड़ से और रूबरू कराऊंगा आप सभी को पहाड़ के जीवन से। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, ये सुबह सुबह का समय है और आपका समय हुआ है अभी 7:50। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज भाई दो त्यौहार है। एक तो द्वितीया का त्यौहार है पहाड़ों पे, लेकिन कैलेंडर वाला बोल रहा है कि आज भाई वो है भाई दूज का त्यौहार है। तो हम लोग खुद ही कन्फ्यूजन पे हैं, काहे का त्यौहार है आज। तो वैसे तो भाई पहाड़ों में भाई दूज का त्यौहार है, एक दिन जो है आगे बढ़ गया कुछ, मतलब अवम टाइप पे कहते हैं वो था, बाकी मुझे पता नहीं इस बारे में। तो आज हम भाई दूज तो मान सकते हैं क्योंकि हमारी दीदी और भाई दोनों अल्मोड़ा पे हैं, मैं ही जो हूँ पहाड़ पे घूम रहा हूँ ऐसे फालतू। तो आज हम लोग मनाएंगे भाई दूज का त्यौहार। तो भाई पता नहीं क्या करते हैं, चूड़े रखते हैं, चूड़े चलाते हैं, उसके बाद भाई त्यौहार बना के खाते हैं। मतलब बढ़िया बढ़िया आइटम बनने वाले हैं आज। तो आमा बनाएंगी, आमा और मैं मिल के बनाएंगे। और ये पुतला आराम को ना मेरे पाँव पे नाच रहे ताकि मेरा पाँव काट सके खेलने पे। मम्मी, खैर इसको छोड़ो, इसकी हरकतें ऐसी रहती हैं। और देखते हैं हमारा आज का शेड्यूल क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों सुबह सुबह यहाँ पर को आमा भाई पोछा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि त्योहार का दिन आज और डेली पलटाना बहुत जरूरी होता है भाई आज के दिन। भाई आमा मैं जा रहा हूँ, ठीक है अभी आता हूँ। तो दोस्तों वैसे तो आज त्योहार का दिन भी है और भाई एक काम करना जरूरी है। ये जो आप दीवार देख पा रहे हैं, नहीं ऊपर तो इसमें सीमेंट चढ़ गया है, लेकिन जो नीचे वाला सरफेस है ना, ऐसा किनारे वाला, तो वहाँ पर को भी सरफेस चढ़ाना है। तो आज हमारे कारीगर दादा आ रहे हैं, मतलब वही सिविल इंजीनियर कह सकते हैं उनको, पहाड़ के सिविल इंजीनियर आ रहे हैं। तो वो काम करेंगे इस पर, तो उनकी मदद मैंने करनी आज दिन पे। देखते हैं क्या शेड्यूल रहता हमारा आगे का। और ये है दोस्तों आज का हिमालय। तो बर्फ़ तो थोड़ा बहुत गल चुकी है, लेकिन भाई नज़ारा देखने लायक बना हुआ है, एकदम स्वर्ग भाई, यहाँ से जन्नत दिख रही है। बिल्ले बदमाशी कर रहा है, ओ भाग गए, अटक गया 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 बिल्ला अटक गया। चले तो चले गया आप, ले भाई इतना सा घुस गया बदमाश भाई बिल्ले। ये तो ये मारने वाला प्राणी है ना, इतनी जल्दी बात धराते रहते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, ये समय आपका 8:54 पे। भाई सुबह सुबह हमारा जो दीवार पे सीमेंट लगाने का काम था वो शुरू हो चुका है। हमारे सिविल इंजीनियर मोहनदा पहुंच चुके हैं सुबह सुबह इतनी ठंड में, और थोड़ा बहुत भाई थकान लग रही है क्योंकि हैवी वर्क है ना ये वाला भी। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आखिरकार मसाला बनाने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर भाई 6 कट्टे बज गए और 1 कट्टा मोहनदा जो है भाई सीमेंट मिला रहे अभी यहाँ पर को। कॉलेज पूरे गए मेरे, यहाँ पे पहुँचती है 10:30। हाँ उसके बाद 2:40 पे चली जाती है। तो ठंडे में ही काम करना पड़ेगा भाई। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आखिरकार भाई काम की शुरुआत हो चुकी है। तो स्टार्टिंग हो चुकी है काम की, बाकी इतना पूरा करना है अभी। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, ये नज़ारा देख रहे हैं आप 9:33 पे, जहाँ पर को अपनी आमा इस भैंस प्राणी के सर पे तेल लगा रही है। ऐसा आज त्यौहार के दिन करते हैं, ऐसा मेरी आमा कह रही है। क्यों करते हैं आमा ऐसा, हैं क्यों करते हैं ऐसा?
अपन जिंदगी की थी भैया मिल जी सलाना हां खाल तेरे तेल पर इसकी सींग ऐसी चमक रही है एकदम ठप्पे लगाते क्या हाथ लगाते क्या लगाते हैं हाथ लगाएंगे कब लगाओगे हाँ अब आज नहीं मॉल लगूंगा चलो ठीक है भाई लगाओ आप प्यारे प्यारे दोस्तों वापसी है 9:55 पे थोड़ी देर पहले तो भाई आमा ने बहुत सारा काम दिया था बहुत सारा काम तो क्या था भाई सीमेंट मिक्स करना था उस पर थोड़ा बहुत हालत ख़राब होगी अपनी और अभी एक नया काम दिया है हमारे जो ओखली पड़ी ना नीचे पे इसको उखाड़ना है अभी तो आमा का आदेश आया है भाई ओखली जो है शिफ्ट करनी थोड़ा बहुत सीमेंट मैंने इसको उखाड़ दिया है बाकी इसको उठा के भाई एक टास्क टाइप पे इसको उठा के हमने वहाँ पर जहाँ पर मोहनदा काम करना है वहाँ पर रखना है और धूप का हाल 9:55 पे कुछ ऐसा हो चुका है ये 55 यानी कि 10:30 के आसपास धूप हमारे घर पे पहुंच जाएगी तब तक ऐसे ही ठंडे में काम करना पड़ेगा हमें तो आखिरकार भाई इतने बड़े पत्थर को उठा के हम ले ही आए हैं वैसे देखने में तो ये लगभग मतलब कम ही लग रहा था 20-30 किलो का लेकिन भाई ये 150 किलो का इतना भारी पत्थर है ये तो अब हमें भाई इसको असेंबल करना है यहाँ पर को नीचे ना यहाँ पर को क्योंकि वहाँ जाने में भाई काफ़ी दिक्कत हो रही थी आमा ने कहा भाई आदेश है उनका कि इसको यहाँ पर को असेंबल किया जाए इस जगह पे तो ये नज़ारा है 10:14 पे अपने इस किचन रूम का और आज भाई त्यौहार भी है तो इस खुशी में मामा आज पूरी बना रही है पता नहीं क्या क्या बना रही है बनाओ मामा बनाओ मैं काम व्यस्त हूँ ठीक है तो दोस्तों आखिरकार बच चुके हैं सुबह के 11 तो थोड़ी देर पहले भाई इंजीनियर साहब ने जितने खड्डे थे वो सारे भर दिए हैं और अब जो है भाई फाइनल काम करने की बारी है इसके बाद से एक और परत देगी जिसकी वजह से मतलब पूरा प्लेन हो जाएगा और बढ़िया दिखेगा बाकी धूप भाई अभी पहुंच रही है अच्छा गुड आफ्टरनून ये है 12 का समय और भाई त्योहार पक चुका अपना भाई इतने सारे आइटम बने हैं बाकी एक दो आइटम तो अंदर रखे हैं लेकिन इतना आइटम कुछ बन चुका है तो भाई खाते फटाफट ये लोग तो ऐसे लगे हैं ये ये प्राणी ना हमें भी दो मालिक हमें भी दो करके थोड़ा बहुत तुम्हें बाद में मिलेगा प्राणी हो ये इसको देखो ये प्राणी तो नहीं पुतली नहीं मेरा है वो कोई हो नहीं ये दोनों ऐसे लगे हैं मेरा है कह रहा हूँ बदमाशी पुतली नहीं बिल्ले 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 त्योहार खा रहे हैं आप भैंस की मेहंदी लग रही है भाई गोल बहुत बढ़िया बाकी मेहंदी लगा खुश अब मेरे गोबर में लग गया पाँव मस्त रहने खुश रहने का एकदम प्यारे प्यारे दोस्तों ये नज़ारा देख रहे हैं आप 2:35 पे और भाई धूप जाने वाली है थोड़ी बहुत धूप बची हुई है तो हमारा भाई यहाँ तक काम हो चुका है तो मतलब एक दिन पूरा लग गया आज का और कल का दिन लगेगा अब प्यारे प्यारे दोस्तों ये समय आपका 2:57 यानी कि 3 को और सूरज चाचू भाई कब के गायब हो चुके हैं यहाँ पर को हमारा थोड़ा बहुत काम हो चुका है लेकिन ये एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है थोड़ी देर पहले मतलब आमा ने बकरियों को आवाज़ लगाई थी वो भी ये 2-3 पूरियाँ रोटी दिखाकर और भाई बकरियों ने दौड़ लगा दी खतरनाक करके आ रहे हैं जैसे ऐसे आ रहे हैं भूखे हों कई सालों से आ जाओ बकरी आ त्यौहार है तुम भी खा लो बैल अब सिद्ध कोट पा दो मैंने ना हैं ऐसे लड़ रहे हैं ना तो कोई लड़ाई कैसे कर रहे हैं अबे ये नहीं 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 बकरे मतलब बच्चे ए, हट हराम खोर प्राणी ऐसे लड़ रहे नहीं इनको गोड़ बाजो में भाग जाएंगे शैतान लोग हाँ इनको भागो पहले पहले मम्मी बकरी ले 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 तो भाई 1 के हो गए हैं लोग अभी ये तो सुबह से भाई ये चबा रहे अबे तो छोड़ दे मैंने उसको रोटी दिया इस साल ने छोड़ खाई नहीं है माल्टे का चिक्कल चबा रहा है हरामखोर
और इसने इसकी रोटी खा, चल चल जा, चल आराम कर, चल।